हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, आपका नंबर पैड का ज़्यादा यूज़ होता है तो उसमें नंबर पैड जल्दी ख़राब हो जाता है। इस वजह से आपको पूरा कीबोर्ड रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप अलग से नंबर पैड यूज़ करेंगे तो आपको पूरा कीबोर्ड रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुशाहिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओशन। आज मेरे पास है मिनी वायरलेस न्यूमेरिक कीबोर्ड। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव या क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फैंस, ये है मिनी कीबोर्ड, जो कि मिनी न्यूमेरिक कीबोर्ड है। इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मिनी कीबोर्ड, जो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वायरलेस पे ऑपरेट होता है। ये वायरलेस है, ये वायर वाला नहीं है। इस तरह से इसका डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सभी विंडोज़ के लिए कंपैटिबल है, आईपैड, विस्टा, एक्सपी। आप इसे एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप यूज़ कर पाएंगे, और एंड्रॉयड डिवाइसेस जो होते हैं उनमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मैक पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड यूएसबी सर्टिफाइड भी है ये। आप देख सकते हैं इसमें ये जो है ये वायर वाला नहीं है, ये हमने वायरलेस मॉडल लिया है। दो वेरिएंट इसमें आते हैं, एक वायरलेस आता है और एक यूएसबी में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी कंपैटिबिलिटी है, विंडो और मैक के लिए यूएसबी इंटरफेस होना चाहिए। पीछे की साइड देखेंगे यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है, प्रोडक्ट का नेम लिखा गया है, और ये स्लिम टाइप की कैप है इसमें, और यूएसबी कंपैटिबिलिटी है, और इसमें इसकी जो है पावर की रिक्वायरमेंट लिखी गई है। लेकिन ये यूएसबी वाले की है, लेकिन हमारे पास वायरलेस वाला है। तो इसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी लगती है और ये 18 की के साथ आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस हमने ये लिया है, तो यहाँ पे वायरलेस पे टिक लगा हुआ है। चलिए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। इसमें मिल जाता है ये कीबोर्ड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, और इसमें आप 18 की मिल जाती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड एक इंडिकेटर दिया गया है, जो कि बैटरी लेवल को बताएगा यहाँ पे, और आप इसे बटन को प्रेस करेंगे, नम लॉक ऑन ऑफ करेंगे, तो ये लाइट यहाँ पे शो करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन दिए गए हैं, इसमें काफ़ी ऑप्शंस भी दिए गए हैं, होम, पेज अप, पेज डाउन, और एंड, डिलीट, और ये बैक स्पेस, ये सारे बटन दिए गए हैं इसमें। और जो ये सेंटर वाले जो बटन हैं, ये होम, पेज अप और एरो कीज़ हैं। अगर आप नंबर लॉक ऑफ रखेंगे तो ये वाले कीज़ जो हैं ये इसमें वर्क करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें पीछे की साइड देख सकते हैं यूएसबी की, इसमें ये इसमें मॉडल वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे बैटरी का कंपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पे आप बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें सिंगल एक बैटरी लगती है ट्रिपल ए साइज़ की, आपको ये मार्केट से अलग से परचेज करनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ ये इंक्लूडेड नहीं है। और एक हमें मिल जाता है ये एक नैनो रिसीवर, जो कि वायरलेस कीबोर्ड है तो इसमें रिसीवर की ज़रूरत होती है, तो ये पीसी में कनेक्ट होता है और ये वायरलेसली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है अप्रॉक्स 10 मीटर के आसपास इसकी वायरलेस की रेंज होती है। ये देखिए काफ़ी छोटा सा ये वायरलेस नैनो रिसीवर है, जो कि लॉजिटेक के कीबोर्ड्स वगैरह में भी इसी टाइप का आता है नैनो। यहाँ पे हमें बैटरी इंसर्ट करनी है, चलिए हम बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए जो स्प्रिंग वाली साइड है वो निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर हमें निगेटिव लगाना है, और ये जो दूसरी साइड है ये पॉजिटिव है। इस तरह से हमें बैटरी को इंसर्ट कर देनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी यहाँ पे ब्लिंग हो रही थी, देखिए मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे लाइट ब्लिंग हो जाती है, इससे इंडिकेट ये करता है कि आपकी बैटरी इंसर्ट हो चुकी है। तो इस रिसीवर को हम कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये लाइट जो है तभी वर्क करेगी, अभी कोई वर्क नहीं करेगी, अभी ये कीबोर्ड ऑपरेट नहीं होगा। इसे हमें यूएसबी में लगाना है और इसमें कीबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। चलिए हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसमें अप्रॉक्स जो इसकी डायमेंशन है, इसकी विड्थ जो है, इसकी विड्थ है 8.5 सेंटीमीटर की है, और इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 14 सेंटीमीटर से थोड़ी कम इसकी
करते हैं इसमें। देखिए इस तरह से हमें ये यूएसबी में प्लग करना है और देखिए यहाँ पे ये ओके हो चुका है। अब यहाँ पे ये वायरलेस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नम लॉक ऑन ऑफ का ये इंडिकेटर यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ये नम लॉक देखिए इंडिकेटर शो कर जाएगा कि आपका नम लॉक ऑन हो चुका है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसे। देखिए मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये लग रहा है देखने में। अगर आपको ज़्यादा यूज़ है आपका नंबर पैड का तो आप तभी इसको परचेज़ करें। और काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ये छोटी सी जगह में आ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करते हैं कंप्यूटर में तो उसमें आप इसे छोटी सी जगह में आप आराम से रख सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये पेज अप और पेज स्क्रॉल के जो बटन हैं तो इसमें ये वर्क तभी करते हैं तब ये नम लॉक जो है इसमें ऑफ रखेंगे तो ये एरो कीज़ वगैरह इसमें दी गई हैं ये तब इसमें वर्क करेंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ किस तरह की इसकी साउंड आती है प्रेस करने पर कीज़ को। अब आ जाती है इसकी प्राइस की बात। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्स ये 500 से लेके 600 के बीच में आपको ये अमेज़न पे मिल जाएगा। प्राइस थोड़े अप डाउन हो सकते हैं। अगर आप ऑफ़र में लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कम में मिल जाए ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।